नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश शजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंडित जींस के विवादित बयान पर घिरे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने माफी मांगी। अपने बयान को लेकर सीएम ने दी फिर दी सफाई। 2 अप्रैल से देहरादून में शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा मेला, मिलेगा दशनी खिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य। हरिद्वार कुंभ को लेकर आईजी गुंजियाल के बयान से बनी भ्रम की स्थिति का कोविड रिपोर्ट जरूरी आने की मनाही नहीं। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। स्थानीय पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही पार्क क्षेत्र में जाने की मिलेगी अनुमति। महाकुंभ में उत्तराखंड के चारों धामों के होंगे दर्शन। देव डोलियों के आगमन की तैयारी शुरू। प्रेमनगर आश्रम में स्थापित हुई भगवान बद्रीनाथ और भगवान हनुमान की धर्मध्वजा। हरिद्वार कुंभ में आरएसएस के 1000 स्वयंसेवक संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस अधिकारी देंगे विशेष प्रशिक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के सीएम का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड सदन में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखंड मूल के लोगों ने सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया। उस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया जाएगा और उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के अपार लगाव की बदौलत ही यहाँ चारधाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम पूर्ण निर्माण समेत तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। छोटे से कार्यकर्ता को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, जो विश्वास उन्होंने मुझे किया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उनको हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ ही उत्तराखंड को नया आयाम देंगे और वहां का पर्यटन तीर्थाटन। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने बृहस्पतिवार को 4 साल पूरे कर लिए, लेकिन पार्टी और सरकार के स्तर पर 4 साल का ना तो कोई जश्न हुआ, ना 4 साल की उपलब्धियां गिनाई गई। सरकार और संगठन के सन्नाटे को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड 20 सालों के इतिहास में सबसे सुधारात्मक कदम है। अगर उत्तराखंड में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत चौमुखी। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 4 साल पूरा हुए। इस दौरान बीजेपी नेता मधु भट्ट ने सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको दिखाते हैं। चारों तरफ अगर उत्तराखंड में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत चौमुखी विकास हुआ है। अगर आप फ्लाईओवर देखेंगे, अगर आप देखेंगे सड़कों का जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है और हमारी रेलवे लाइनें जो पूरे उत्तराखंड में बिछ रही हैं, तो बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ा सा बहुत बीच में थोड़ा रुकावट आई थी, लेकिन अब बहुत तेजी से वो काम हो रहे हैं। और हमारे जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो पूरे क्योंकि वही है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे में ये एक परिवार में ठीक है अदला बदली एक सेवा करने के लिए कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, तो इसमें ऐसा कोई ऐसा परिवर्तन का कोई भाव नहीं है। सब लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सभी लोग उसी भाव से काम कर रहे हैं। और खबर दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली आगमन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और शिक्षा को लेकर क्या कुछ अब उत्तराखंड में होगा, इस पर उत्तराखंड से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हमारे संवाददाता अजीत सिंह से बात की। हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। सर, नए सीएम का दिल्ली आगमन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली में पहली बार आए हैं
कुछ हमारे संगठन के वरिष्ठ जो हमारे नेतृत्व करने वाले नेता लोग हैं उनसे उत्तराखंड प्रदेश को लेकर विभिन्न उनके अपनी एजेंडे होंगे उसके तहत मिलना जुलना होगा। किससे मिलना है अभी ये तो मैं कन्फर्म मैं नहीं हूँ। इससे शिक्षा को लेकर और खेल को लेकर अपने यहाँ क्या कुछ होने वाला है? शिक्षा में हमारी कोशिश है कि वन कैंपस वन स्कूल और प्रत्येक स्कूल में उत्तराखंड प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दुर्गम क्षेत्र हैं उन प्रत्येक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिस विषय को पढ़ने वाले हैं विषयवार अध्यापकों की तैनाती करना हमारी डिपार्टमेंट की हमारी प्राथमिकता है और वर्चुअल स्मार्ट क्लास ये हर स्कूल में बनाना ताकि आज ये वक्त की मांग है, आज ये बच्चों को चाहिए कंपलसरी है। तो ये सब सुविधाएं कंप्यूटर की ये देना इसी कड़ी में हमने 500 स्कूल पहले हमने प्रदेश में बनाए हैं और हम 700 स्कूल और बनाने जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड प्रदेश के कोने कोने में बच्चों को वर्चुअल क्लास मिल सके और वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी सेंट्रलाइज स्टूडियो के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकें, विशेषज्ञों के माध्यम से हम अन्य अन्य पाठ्यक्रम में बच्चों को नया नया कंटेंट हम पढ़ा पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। सर लास्ट सवाल, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है नए सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली आए हैं? हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, तो चाहे त्रिवेंद्र जी हो चाहे तीरथ जी हो दोनों हमारे लिए सम्माननीय हैं, दोनों कार्यकर्ता हैं और दोनों प्रशासक की भूमिका उन्होंने निभाई है। सभी कार्यकर्ताओं में दोनों के प्रति हमेशा उत्साह रहा है, आज भी उत्साह है, आगे भी उत्साह रहेगा और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीरथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दिल्ली से एक न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधार शिला योजना। 75,000 से 3,00,000 रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे, महाकुंभ में उत्तराखंड के चारों धामों के होंगे दर्शन, देव डोलियों के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। IG संजय गुंजाल भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत, कार्यक्रम में दिखेगी उत्तराखंड लोक संस्कृति की झलक। महाकुंभ में उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन होंगे, देव डोलियों के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रेमनगर आश्रम में स्थापित हुई भगवान की धर्म ध्वजा, बद्रीनाथ और भगवान हनुमान की धर्म ध्वजा हुई स्थापित। देवभूमि विरासती शोभा यात्रा समिति का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे, IG संजय गुंजाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भव्य और खूबसूरत तस्वीरें महाकुंभ की, अद्भुत तस्वीरें। हरिद्वार से खबर। और हरिद्वार से ओम प्रयास हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम, महाकुंभ को लेकर क्या ताजा जानकारी आपके पास, किस तरह की महाकुंभ को लेकर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि चारों धामों के दर्शन होने हैं लिहाजा किस तरह की तैयारियां महाकुंभ को लेकर चल रही हैं इस वक्त? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने में महज कुछ ही समय शेष रह गया है। 1 अप्रैल से महाकुंभ हरिद्वार शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार शिरकत करेंगे, क्योंकि हरिद्वार का ये महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसी बीच हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि उत्तराखंड की जो देव डोलियां हैं जो को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि हाल ही में हम बात करें प्रेमनगर आश्रम में भगवान बद्रीनाथ और भगवान हनुमान की धर्म ध्वजा स्थापित की गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत उनकी पत्नी और IG संजय गुंजाल जो मेला IG है कुंभ के, साथ ही साथ इसमें कई साधु संत भी मौजूद रहे। जो यहाँ पर एक धर्म ध्वजा स्थापित की गई है
प्रेम नगर आश्रम में, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संतों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, आईजी कुंभ संजय गुंजाल समेत लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार के जो महाकुंभ में उत्तराखंड की देव संस्कृति भी इसमें इस बार के महाकुंभ में नजर आएगी, क्योंकि देव डोलिया का जो आगमन है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा और देव डोलिया भी हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगी। यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी देव हैं, जितने भी भगवान हैं, यहाँ पर सभी के दर्शन जो है श्रद्धालु महाकुंभ में कर सकेंगे, क्योंकि देव डोलियों का जो समय है, जो आगमन जो होना है वो 25 मार्च से शुरू हो जाएगा। और इस बीच जो हरिद्वार में जो श्रद्धालु देश विदेश से जो हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेंगे, वो उत्तराखंड की देव संस्कृति का भी यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। साथ साथ जो उत्तराखंड के देव हैं, जो उनकी देव डोलियां हैं, जो चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत जितने भी देवी देवता उत्तराखंड में वास करते हैं, सभी के दर्शन इस बार श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में कर सकेंगे। जी, तो जैसा कि होप आपने बताया कि तमाम भगवानों के दर्शन उत्तराखंड में श्रद्धालु कर सकेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि दूर दूर से लोग आएंगे और लिहाजा बहुत बड़ी तादाद की होगी महाकुंभ में, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कोरोना काल भी है, उसके मद्देनज़र क्या कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और महाकुंभ भी है, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए, आपको बता दें साफ तौर पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो SOP जारी की गई थी उसमें कुछ लोगों को राहत दी गई, क्योंकि इसके जिस तरह से संतों ने और साथ साथ जो प्रदेश समेत जो जिले के जो व्यापार मंडल है उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि SOP में उन्हें छूट दी जानी चाहिए। साथ साथ इसमें बता दें कि जो होटल एसोसिएशन हरिद्वार है उन्होंने भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की थी कि वो SOP में कुछ राहत दें। इसी को देखते हुए सरकार ने सबको राहत दी है। जो पोर्टल पर जो लोगों को पंजीकरण करना था उसमें सबको छूट दी गई। साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं वो साफ तौर पर हैं कि आप हरिद्वार आने में आप कोई भी रोक टोक नहीं होगी। साथ ही साथ जो कोरोना के जो गाइडलाइन है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज लगाना, उचित दूरी बनाकर रखना, इन सभी का पालन करना होगा, क्योंकि इसमें मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र है, जगह जगह मेला पुलिस की तैनाती रहेगी, अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। सभी को निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी श्रद्धालु, जो भी व्यक्ति कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करता उसका चालान किया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जो कोरोना की गाइडलाइन का इसमें पालन करने के लिए साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो पहले जो एक पोर्टल बनाया गया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आएगा उसे पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, तो वो सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। हरिद्वार अब कोई भी श्रद्धालु बिना रोक टोक के आ सकेगा, क्योंकि ये जो महाकुंभ है, कुंभ 12 साल में एक बार होता है, इसी को लेकर सरकार ने यही कदम उठाया है कि बिना रोक टोक के श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में आ सकेंगे। ओम, आपको जैसा कहना है कि बिना रोक टोक के श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, लेकिन खबरें इस तरह की मिल रही हैं, क्या कोई जांच जरूरी है कोरोना की? आने जाने में तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन किसी तरह की कोई जांच की बात सामने आ रही है? जी देखिए, अब तक जो बात सामने आई थी वो साफ तौर पर थी कि अगर महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति बाहरी जो राज्य है, राज्य या देश विदेश जो भी आएगा, उसे 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। मैं रोकना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद दर्शकों को लेकर चलता हूं, जहां पर बोगियों में आग लगी थी, क्या कहना अधिकारियों का सुनवाई? दरवाजे को तोड़ करके आग को बुझाया गया, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अब ये जांच के बाद पता लगेगा कि आग कैसे लगी थी, इसका जांच के बाद पता लगेगा। ये शताब्दी एक्सप्रेस थी, शताब्दी दिल्ली से लखनऊ के लिए। हाँ, अब ये सारी कार्यवाही रेलवे विभाग के लोग कर रहे हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी थी, जिसको लेकर अधिकारी साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई, और आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगी थी। फिलहाल ये खबर गाज़ियाबाद से हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जहाँ पर फिलहाल आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया, लेकिन इस वक्त हम महाकुंभ की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस खबर पे हम बने हुए थे। ओम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और ओम अपनी बात को पूरा करें।
देखिए जिस तरह से बात कही गई थी कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट इसमें लानी होगी, 72 घंटे की रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट लाने वाले व्यक्ति या श्रद्धालु को ही हरिद्वार में एंट्री मिलेगी, हरिद्वार महाकुंभ में, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था ये कोरोना की रोकथाम के लिए लिया गया था कि कोरोना को कैसे ना कैसे करके रोका जा सके और हरिद्वार जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य हो। इसी बात को लेकर अभी तक ये संशय बना हुआ है कि कोविड जो रिपोर्ट है आखिर वो किस तरह होगी, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत है उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि आप बिना रोक टोक हरिद्वार महाकुंभ में आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो उनका जो इस तरह से हर क्षेत्र में जो कुंभ क्षेत्र है जगह जगह जो पुलिस बल तैनात किया गया है, जो अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है उन लोगों का चलान करेंगे जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, जो मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, साथ साथ उचित दूरी नहीं बना के रखेंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी जो हरिद्वार महाकुंभ होना है वो 1 अप्रैल से है और इस बीच 2 शाही स्नान है और 1 प्रमुख स्नान है। दो जो शाही स्नान है वो 12 अप्रैल और 14 अप्रैल का है, साथ साथ इसमें जो मुख्य जो स्नान है वो 27 अप्रैल का है। तो अभी तक जो 1 महीने का जो 28 दिन का जो महाकुंभ है इस महाकुंभ में महज 3 स्नान है जिसमें से 2 शाही और 1 प्रमुख स्नान है। इस बीच जो श्रद्धालु है देश विदेश से आ सकेंगे, सभी अखाड़ों की छावनियां लग चुकी हैं। अभी जो पेशवाई का जो दौर था वो अभी तक 7 अखाड़ों की जो पेशवाई अभी तक निकल चुकी है, अभी 6 अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है जिसमें हम आपको बता दें कि 3 बैरागी अखाड़े हैं और 3 उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं जिनकी अभी पेशवाई निकलनी है, जो मुख्यतः अप्रैल में से ही शुरू होगी क्योंकि उसके बाद ही उनकी छावनी, आपको बता दें कि अभी उनकी छावनी भी लगनी है, छावनी भी लगनी है क्योंकि जो हरिद्वार जो महाकुंभ है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और इस चीज को लेकर अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाए। आपको रोकना चाहेंगे, ब्रेक का वक्त हो चला है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 3 शाही स्नान होने जिसके बारे में ओम साफ तौर पर बता रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल बहुत खास बात यह है कि आने जाने के लिए महाकुंभ में शिरकत करने के लिए फिलहाल किसी को मनाही नहीं। रुकते, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया, 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया, 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण, 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटी कृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ को लेकर अब बात कर रहे हैं, जैसा की हमारे संवाददाता ओम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी भी हमें दे रहे हैं कि महाकुंभ इस बार कैसे भव्य होने वाला है, कैसे खास होने वाला है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कोरोना काल है जिसके तहत कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबर ऋषिकेश से है जहां महिलाओं के वस्त्रों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। महिलाओं के जीन्स पहनने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर ऋषिकेश के श्यामपुर तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंका गया।
थी, जहाँ हमें विकास की बात करनी चाहिए थी, जहाँ हमें रोजगार की बात करनी चाहिए थी। हमने ये सोचा था पुराना मुख्यमंत्री हटाया तो नया आपके लेबर में कुछ अच्छा बुद्धिमान बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री लाया होगा, लेकिन जब इन मुख्यमंत्री जी की बात हम सुनते हैं बड़ी शर्म की बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्याख्यान करते हैं कि मैं फ्लाइट में गया, एक बहन जी बैठी थी, उसके गम बूट पहने थे, गम बूट के बाद वो घुटनों पे गए, और इस तरह के उनके जो व्याख्यान थे अपने आप में शर्मनाक थे। मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने से अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजते ताकि वो विकास की बात करता। वो ये कहते मैंने फ्लाइट से हेलीकॉप्टर से नज़ारा किया, वहाँ पर रोडें टूटी थी, वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं रोका जा रहा था। जो मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका पुतला दहन करने हम लोग आए हैं। एक तरफ 21वीं सदी में महिलाओं की बात करते हैं, क्या साड़ी या सूट पहन के हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे? अब हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले ये सोच लें, हमारे कपड़े नहीं, हमारी जींसें फटी हुई नहीं है, इनकी सोच फटी हुई है। ये पहले सोचें कि ये क्या बोल रहे हैं। महिलाओं के कपड़ों के बारे में टिप्पणी करने से अच्छा पहले जो किसान हैं, जो देश के हालात हैं, जो अपने राज्य के हालात हैं, उन पर गौर करेंगे। और सीधे लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। इस पूरे स्वतंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजय श्री भी प्राप्त की, लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः हम सब का दुश्मन रहा है, और यही रानी अवंती बाई के साथ भी हुआ। लेकिन ये जानते हुए कि जब बहुत सारे राजे महाराजे अपने सत्ता के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों की या विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ने भी और रानी अवंतीबाई ने भी विदेशी हुकूमत की दास्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और वे अंतिम दम तक लड़ते रहे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका बलिदान हम सबको भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। भारत माता के इन महान वीरांगनाओं से ही प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक विशेष कार्यक्रम मिशन शक्ति के रूप में प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य किया है, वही यह भी सुनिश्चित किया है कि नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा हर हाल में हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के 1535 थानों में, 350 तहसीलों में महिला सुरक्षा के हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। और देहरादून से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर देहरादून से इस वक्त है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर, सुबह 10:15 हर की पैड़ी में करेंगे मां गंगा की पूजा। मीडिया सेंटर नीलधारा टापू भी जाएंगे सीएम तीरथ। कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का सीएम करेंगे लोकार्पण। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। राजेश, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल आदिश, मैं बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो हरिद्वार होगा, और हरिद्वार में यानी कि 10:15 जो है वो हर की पौड़ी पे गंगा आरती में वो शामिल होंगे, अर्चना करेंगे, और साथ ही उसके बाद मीडिया सेंटर का जो
वहाँ पर दौरा है, मीडिया सेंटर को देखेंगे, वहाँ पर क्या खामियां है और क्या आगे किस तरीके से महाकुंभ को लेकर के जो जो प्रचार प्रसंग होना है कुंभ का, उनको लेकर के जो है तमाम चीजों को लेकर के वो वहाँ पर आज निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद दोपहर जो है वो दोपहर में भी तमाम जो आला अधिकारी है उनके साथ उनकी बैठक है महाकुंभ को लेकर के, कितना प्रगति से अभी काम हुआ है और कितना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल देखा जा सकता है क्योंकि अहम दौरा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है तीरथ सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद अगले दिन जो है अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे, और आज जिस तरीके से जो उनका दौरा है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि समय कम है और काम भी ज्यादा है, और एक तारीख से शुरुआत महाकुंभ की हो रही है और उसके बाद काफी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है देश से विदेश से आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर के कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जो है वो अलर्ट दिख रहे हैं। आरिश, ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर, सुबह 10:15 बजे हरकी पौड़ी में करेंगे मीडिया सेंटर, नीलधारा टापू भी जाएंगे मुख्यमंत्री। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।